हेलो गेमर्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम खेलने वाले एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा गेम फार्मिंग सिमुलेशन 16। ये एक सीरीज गेम प्ले होने वाला है और हमें एक मिशन मिला है। हमें सारे के सारे फार्म्स पार्ट 10 तक परचेस करने पड़ेंगे। इस सीरीज में बड़ा मजा आने वाला है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए फटाफट से, मैंने प्ले स्टोर से गेम ले लिया है और यहाँ पे कुछ सेटिंग्स करेंगे। सबसे पहले अपने मशीन को हैंडल करने के लिए कॉपीराइट के लिए साउंड को करेंगे ऑफ और नॉर्मल वाला न्यू वर्ल्ड क्रिएट करेंगे। यहाँ पे कुछ ट्यूटोरियल्स बता रहा है, तो फटाफट से अपना काम शुरू करते हैं। वहाँ पर मैंने हार्वेस्टर को लगा दिया काम पर और यहाँ पर ट्रॉली को यहीं पर छोड़ देते और फटाफट से कनेक्ट कर लेते हैं अपने ट्रैक्टर को कल्टीवेटर। और यहाँ पे कल्टीवेटर कनेक्ट कर लिया है, वो उस फार्म के पास में चलते हैं और यहाँ पे कल्टीवेटर को लगा देते हैं काम पे। यहाँ पे ड्राइवर को लगा देते हैं और अपना वहाँ पे हार्वेस्टर कंट्रोल करते हैं। तो फटाफट से निकाल लेते हैं अपना सारा का सारा वीट। और अगर आपको ये गेम मॉड में चाहिए तो मैंने उस पर भी वीडियो बना चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वो वाला वीडियो भी देख सकती हो। ये वाला नॉर्मल वर्ल्ड होने वाला है। तो अपना हार्वेस्टर 100% हो चुका है, फटाक से जो है इसे खाली करते हैं ट्रॉली में। और ट्रॉली में डालते ही अपने को जो है एक मिशन मिल चुका है। मिशन बाद में करेंगे, पहले सबसे पहले सारा का सारा वीट निकाल लेते हैं अपने हार्वेस्टर से और इसे भी डाल देते हैं अपने ट्रॉली में। और आपको मैं बता दूं गाइस, ये जो मिशन अभी स्टार्ट हो चुका है, ये बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है इस मिशन में गेहूँ बेचने के बाद। सो कनेक्ट कर लेते हैं अपने ट्रॉली को जो है 100% भर लेते हैं अपने स्टोरेज से। तो अपने मैं जो है स्टोरेज के पास आ चुका हूँ। यहाँ पे भरते हैं ट्रॉली को 100% और चलते हैं इसे बेचने के लिए। ओ गाइस, यहाँ पे जो है अपने को एक ट्रॉली मिल जाता है FS-14 जैसे ही दूध बेचने के लिए। तो फटाफट से जो है इसे बेच देते हैं। अपने पास जो है अभी 24,000 रुपीज़ है, तो इसे मैंने बेच दिया। और अपने पास जो है 37,000 रुपीज़ जो है आ चुके हैं। तो फटाफट से अपना जो है ट्रैक्टर ले जाते हैं और ट्रॉली को छोड़ते हैं यहीं पर। अपना जो काम बचा है कल्टीवेटर का, वो कंप्लीट करना पड़ेगा अपने को। तो कनेक्ट करता हूँ कल्टीवेटर और चलिए अपना काम शुरू करते हैं। तो अपना कल्टीवेटर वाला काम जो है कंप्लीट हो चुका है। अपने कल्टीवेटर को लगा देते हैं यहीं पर और अपनी सॉइंग मशीन जो है उसे कनेक्ट कर लेते हैं। गेहूं यहाँ पे लगाना है अपने को जो है, जल्द से अपना गेहूं यहाँ पे उगेगा। तो फटाफट से मैं स्पीड अप कर लेता हूँ इस वीडियो को, जिससे कि आपका टाइम पास ना हो। तो फटाफट से जो है अपना गेहूं लगाने का काम जो है कंप्लीट हो चुका है। इसे गेहूं सोइंग मशीन को जो है अपना यहीं पे ही लगा देते हैं, अपना काम यहीं पे ही होगा उसका। और कनेक्ट करते हैं यहाँ पे कल्टीवेटर को और फटाफट से जो है इस फार्म को कंप्लीट करते हैं। और अपना कल्टीवेटर वाला काम हो चुका है, अपना सोइंग मशीन वाला काम जो है यहाँ पे चल रहा है। तो तब तक जब तक चलेगा तब तक आप इस वीडियो को लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। तो अपना सॉइंग मशीन वाला काम भी कंप्लीट हो चुका है, यहीं पे अपने सॉइंग मशीन को छोड़ेंगे। और अपने को जो है एक मिशन भी मिल चुका है, अपने को जो है डिलीवरी वाला मिशन मिला है। तो फटाक से निकलते हैं अपने मिशन की तरफ। तो गाइस, इस मिशन में कतई मज़ा आने वाला है, अपने को बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। और यहाँ पे एक ट्रॉली दे रखा है, तो इसे अपने को कनेक्ट करना है और ये जहाँ पे बोल रहे हैं वहाँ पे इसे छोड़ना है। तो चलिए फटाफट से इसे छोड़ देते हैं। अपने को जो है स्पीड वाला ट्रैक्टर लेना पड़ेगा, ये बहुत ही स्लो है गाइस, बहुत ज़्यादा टाइम खाता है। ओ गाइस, बहुत ज़्यादा पैसा मिल चुका है यहाँ पे, 61,000 रुपीज़ जो है अपने को पास हो चुका है। तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रैक्टर्स दे रखे हैं, अपने को जो है ये वाला ट्रैक्टर परचेस करना है। और साथ ही में अपने को जो है ये ट्रेडर भी परचेस करना पड़ेगा, ये बहुत ही ज़्यादा मदद करता है अपने को। तो उसके लिए फटाफट से पैसा करना पड़ेगा। और ये जो चीज़ है इसे बेचते हैं अपने स्टेशन के पास में, बहुत सारा मनी मिल रहा है इस चीज़ को बेचने के बाद। तो फटाफट से मैं इस चीज़ को ले जाता हूँ बेचने के लिए और देखते हैं अपना गेहूँ कितना बड़ा हो चुका है। तो अभी छोटा ही है, चलिए फटाफट से इसे बेचते हैं। तो स्टेशन जो है यहाँ पे है,
अपने को जो है स्टेशन के पास जाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो मैं स्पीड अप कर लेता हूँ वीडियो को। तो गाइस अपन जो है यहाँ पे स्टेशन के पास पहुँच चुके हैं, यहाँ पे बेच देते हैं सारा का सारा ये सामान और अपने को जो है बहुत सारा मनी मिलने वाला है इससे। और अपने पास जो है अभी 73,000 रुपीज़ हो चुका है और अपने को 82,000 रुपीज़ चाहिए ट्रेडर मशीन को ख़रीदने के लिए। तो इस चीज़ को भी मैं फटाफट से बेच के आता हूँ, और इससे भी मैंने बेच दिया लेकिन अपने पास उतना पैसा नहीं हुआ। तो गाइस अपने पास जो है 2,000 रुपीज़ कम पड़ चुके हैं उस चीज़ को ख़रीदने के लिए। अपने गेहूँ जो है बड़ा हो चुका है, तो फटाफट से अपने हार्वेस्टर से गेहूँ निकालना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस फटाफट से मैं निकाल लेता हूँ गेहूँ इस फार्म से। तो अपना गेहूँ का काम भी यहाँ पे चल रहा है, तो गेहूँ जो है निकाल लेते हैं। और अपना हार्वेस्टर भर चुका है 100%, तो इसे खाली करना पड़ेगा और फिर से जो है अपना बचा हुआ गेहूँ भी निकाल लेते हैं। और इसे भी डाल देते हैं अपने ट्रॉली में। और अपना जो हार्वेस्टर है वह ये पास वाले फार्म के पास में लगा देते हैं। ये वाला गेहूँ भी बड़ा होने वाला है, तो ये जो है ये गेहूँ भी बेचना पड़ेगा अपने को। तो फटाफट से ले जाते हैं इसे बेचने के लिए। और मैं लेके लेकर के आ चुका हूँ इन गेहूं को बेचने के लिए। यहाँ पे बेच देते हैं अपना सारा का सारा गेहूं, और गाइस बहुत सारा पैसा जो है आ चुका है। और इस चीज़ को ख़रीद लेते हैं ट्रेडर को, ये बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला है। इससे अपने को जो है गाय दूध देंगी, तो कैसे वो वीडियो में आगे देखना आप, बहुत ही आसान है। और गाइस यहाँ पे अपना टेडर मशीन जो है आ चुका है, ये बहुत बड़ा है, ये ट्रैक्टर जितना साइज का है। तो इसे कर लेते हैं कनेक्ट और ले जाते हैं अपने घर के पास में। तो इसे मैंने कनेक्ट कर लिया और जल्दी से फटाफट से इसे ले जाते हैं। तो गाइस इसके ग्राफिक्स बहुत ही बढ़िया लग रहा है, तो बहुत ही बढ़िया एसेट्स इस गेम में आपको देखने को मिलता है। और जो है इसको काम पे लगा देते हैं। ये स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लेगा, इसे भरने में थोड़ा टाइम लगता है थोड़ा स्टार्टिंग में। तो फटाफट से जो है इसे निकालना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्लो है गाइस, और अपना ट्रैक्टर भी 8 की स्पीड से चल रहा है, तो अपने को बड़ा ट्रैक्टर ख़रीदना पड़ेगा। फटाफट से निकाल लेते हैं। ये जो है बेल्स क्रिएट, तो गाइस मैं बताता हूँ ये कैसे अपने को जो है काम में आने वाला है। ये जो है बेल्स तैयार बनाता है, और अपने को जो है ये बेल्स कलेक्ट करके गाय को जो है खिलाना पड़ता है, और गाय जो है अपने को दूध देती है इस वजह से। तो यही ये काम में आने वाला था, इसलिए मैंने इसे परचेस किया। और फटाफट से अपना जो है कल्टिवेटर ज्वाइन करते हैं और काम शुरू करते हैं। अपने को जो है एक मिशन भी मिल चुका है, तो गाइस निकल पड़ते हैं अपने मिशन की तरफ। फटाफट से अपना ट्रैक्टर लेते हैं और अपने मिशन की तरफ जाते हैं। और भाई साहब और एक ट्रॉली को अपने को जो है डिलीवर करना है, तो फटाफट से मैं ले जाता हूँ इस ट्रॉली को डिलीवर करने के लिए। और मैंने जो है यहाँ पे डिलीवर कर दिया, बहुत सारा मनी मिल चुका है। सो गाइस अपने को बहुत सारा मनी मिला उससे, और अपना जो है हार्वेस्टर का काम भी कंप्लीट हो गया। तो गाइस इसे भी इन गेहूं को भी बेचना पड़ेगा अपने को। सो मैंने ट्राई किया गाइस हार्वेस्टर से जो है सामान ये कलेक्ट करने का, लेकिन जो है ये निकलता नहीं है हार्वेस्टर से, इसके लिए जो है ट्रैक्टर ही लगता है। तो फटाफट से अपना जो है कल्टीवेटर वाला काम कंप्लीट कर लेते हैं। सो गाइस वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, बाकी का काम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करना इस वीडियो को, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और नीचे कमेंट करते हुए चैनल को करना सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।